दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी वीडियोस के लिए सबटाइटल जनरेट करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि हम वीडियोस के लिए सबटाइटल बनाएं क्यों? देखें, जब आप ऑनलाइन कोई कंटेंट बना रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो आपकी वीडियोज़ देख सकें। लेकिन अगर वीडियो किसी को समझ ही ना आए, तो वो आपकी वीडियो बिल्कुल बेकार है किसी के लिए भी। तो वीडियो को समझ आने के लिए उसकी लैंग्वेज को समझ आना ज़रूरी है, और लैंग्वेज को समझ आने के लिए हमें लैंग्वेज के अंदर सबटाइटल देना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी किसी भी वीडियो के अंदर सबटाइटल जनरेट कर सकते हैं, वो भी एआई की मदद से और बिल्कुल फ्री में। तो अगर मैन्युअली हम सबटाइटल जनरेट करते हैं, तो मैन्युअली हमें बहुत ज़्यादा घंटे लग सकते हैं, ये घंटों का काम है। और पैसे अगर किसी को देके करवाएं, तब भी ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है। तो अगर हम मैन्युअली सबटाइटल जनरेट करने खुद से बैठे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर हम किसी और से करवाते हैं इसको, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी लगेंगे टाइम के साथ साथ। तो अगर आप भी सबटाइटल फ्री में जनरेट करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबटाइटल्स को फ्री में जनरेट करवाने के लिए हम एआई वेबसाइट का यूज़ करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास vidIO। vidIO की वेबसाइट है, इस पर आ जाएंगे हम। इस पर आने के बाद हम यहाँ से प्रोडक्ट्स में आके सबटाइटल के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो देखिए, अभी कह रहा है ऐड सबटाइटल टू वीडियो, चूज़ अ फाइल। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी सैम्पल वीडियो ले लेंगे। मैंने यहाँ पर एक वीडियो अटैच की हुई है, तो ये देखें, इसने वीडियो लोड कर ली है। लोड करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर मैनुअल सबटाइटल भी ऐड कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ क्लिक करके बताऊँ आपको। और यहाँ हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं, जिस लैंग्वेज के अंदर भी आप सबटाइटल लिखना चाहते हैं, आप वो सेलेक्ट करके इसको ऐड सबटाइटल करेंगे, और यहाँ पर सबटाइटल लिख देंगे जो भी आपको लिखना है। तो इस तरह से सबटाइटल आएंगे, टाइमिंग के ऊपर सेट हो जाएंगे, आपने जहाँ जहाँ इसको सेट करना है, जो जो सबटाइटल। तो आप ये काम मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे मैन्युअली नहीं करना, ये ऑटो हो जाए मेरा काम, तो यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है ऑटो सबटाइटल का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप इसको लैंग्वेज बता देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज कर दिया और क्रिएट सबटाइटल कर दिया। तो देखते हैं अब ये क्या करता है। तो ये देखें, इसने हमें ये सबटाइटल्स जनरेट करके दे दिए हैं। अगर हम आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊं, तो देखें, इसने बिल्कुल ही परफेक्ट सबटाइटल जनरेट कर दिए हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इसको लैंग्वेज समझने में कोई परेशानी होती है और सबटाइटल ये गलत कुछ जनरेट कर देता है, तो आप डबल क्लिक करके इस सबटाइटल को एडिट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इस वर्ड को मिटा के या इसके आगे कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इजीली यहाँ पे सबटाइटल को एडिट कर सकता हूँ। सबटाइटल्स को एडिट करने के बाद जब आपके फाइनल चेंजेस सारे हो जाएँ, तो आप ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड्स के अंदर देखें, यहाँ पर तीन ऑप्शन है .srt, .vtt और .txt। तो आप जिस भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहें, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कितना आसान था ये। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि किस तरह हम अपने किसी भी वीडियो के लिए सबटाइटल जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।